अक्तूबर महीना जेड़ा ना जम्मू कश्मीर का बड़ा क्रिटिकल है। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद होया, लेकिन जम्मू कश्मीर का डिसीजन जेड़ा है 3 महीने और स्ट्रैच होया और अक्तूबर महीने जी है 27 तरीक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के चलते जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा बनया। इसी बिच अज की डेट च जम्मू के अंदर बखरे बखरे संस्थाएं द्वारा जेड़े ने सैमीनार ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, खासतौर पर तौर पर उनके लोगों पर उनके रूप पर कि जिन्हें 47 के हिस्सा लेता और कियां पाकिस्तान आर्मी ने रेडर्स के रूप के जम्मू कश्मीर पर हमला किया और लास्ट मैन लास्ट बुलेट का आर्डर महाराजा हरी सिंह का लिया। ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह और जो चीफ ऑफ द स्टेट फोर्सिस उसलै वो गए, और महज एक ऐसी एग्जाम्पल है अक्रॉस द वर्ल्ड जिते जे चीफ न किसी आर्मी के वो प्रैक्टिकल बैटल जी है उन्हें ग्राउंड च लड़ी और अपने प्राणों ने निशावर करते हुए जो जम्मू कश्मीर बचाया। युवा रायपुर सभा मेरे कन्ने उनके प्रधान एक्स प्रधान और दीक्षा खलूरिया और कियां देखते हैं सारी चीजें ही और खास कर इन सैमीनार से कियां देखते हैं 47 के रेफरेंस जरूर जानने का प्रयास करें। आज सब तो पहले बड़ी खुशी है बंगा जी कि अस आखने डोगरे आखने शाना गन वो चीज आज दिखने लभी है। समय बड़ा लग्या, बड़ा टाइम लग्या, अज साढ़े जेड़े वारियर्स जेड़े साढ़े डोगरे दे आईकॉन अच उन्हेंगी फिर एक बारी इस प्रोग्राम से जिंदा किया गया है और उन्हेंगी उनकी जी हिस्ट्री है सुनाई गई हैं। महाराजा गुलाब सिंह उनके वाले लिए है, जनरल जोरावर सिंह उनके लिए है, सेवियर और कश्मीर ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह अही इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि डोगरी का इतिहास भी मतलब उभरन लगा और लोगों में आन लगा। अज यह श्रेय अस मेजर जनरल गोवर्धन सिंह होरें दिने और उन्हें असी भी इनवाइट किया था युवा राजपूत सभा की टीम की तरफा अब शत शत नमन करने हैं। मैं प्रधान विक्रम सिंह मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना उनका, मेरी अपनी सारी टीम का बड़ा शुक्रिया अदा करना कि जो जी चीज़ अस लिए चल रहे हैं अस डोगरे की हिस्ट्री डोगरे के आईकॉन ने जोड़े वो अज इन्हें पेश किए ने जी उनकी उपलब्धियां ही। ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह आखिरी गोली का आखिरी साह तोड़ी और अपने महाराज साहब का हुक्म मनिया यह वीर अस उन्हें वीरें के सपूत हाँ। अस ये आखने कि जोड़े साड़ी डोगरी की हिस्टरी जोड़ा कल्चर हा वो भुली गए लोग वो बल्ले बल्ले पिछले 3-4 साल देखा वो बल्ले बल्ले उभरा है युवराज सब 3-4 साल एक्टिव ही है। चलो असें गी दियो श्रेय या साडे श्रेय नहीं आखे लेकिन डोगरा समाज की आखने अस डोगरा समाज की श्रेय देखे दा कि अज साढ़े ब्रिगेडियर साहब ने जिया एक पहल की और ये चीज़ा काफ़ी मैं आखा बड़ा लेट समय हुई है ये समय बड़े पहले आना चाहिए साढ़े डोगरे की हिस्ट्री जी दवाई गई उसी उभरने वास्ते बड़ा समय लग गया। चलो देर आए दुरुस्त आए अस इस खुश हाँ कि जोड़ा समय के मुताबिक जो काम हुआ है हूँ बल्ले बल्ले डोगरे की जोड़ा याद किया याद है हूँ तो इलेक्शन में भी दिखे है कि महाराज साहब की तस्वीर जड़िया ने पोस्टर पर लगिया ने डोगरी जो भी चले प्रवचन भी चले डोगरी साफा भी चले बिल्कुल चलिया और अज तुम दिखिया कल ओथ भी लैती गई और भी तुम दिखा डोगरी पगं जड़िया सारिया मशहूर हुई बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने जोड़ा साड़ा कल्चर है ये दोबारा जिंदा हो कल्चर जिंदा होगा हिस्ट्री थ्रू दीक्षा उन्होंने दीक्षा जी कि दिखते मिगी बड़ा शैल लग्गा दा है ते कन्ने अगर मैं गल करा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी दी या गल करचे जनरल जोरावर सिंह जी दी महाराजा गुलाब सिंह जी दी अज जम्मू कश्मीर दा नाम POJK दा नाम ते लद्दाख तिब्बत बल्तिस्तान सकर तो ए जेड़े सारे नाम है तुसें गलाए न ए सारे जिंदी बदौलत है वह है जनरल जोरावर सिंह ते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह बड़ा शैल लगे इतने इज्जा ने जेड़ा फंक्शन जेड़ा ऑर्गेनाइज किते दा है जेड़ी क्रीम ऑफ द मैं आखनी हाँ जम्मू कश्मीर उन्हें की इतने बुलाया थे निके निके बच्चे भी मैं इतने दिखे जेड़े आए थे ते जिया विक्रम जी ने आख्या कि बड़ी पहले काम होना चाहिए हाँ चलो देर आई दुरुस्त आए लेकिन किश्ते आए आए थे आए मैं बड़ा बड़ा मता मता धन्यवाद करनी हाँ इज्जा का ते अगे भी ए प्रोग्राम जड़े हैं लेंदे दीक्षा हो रही हैं जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और धन्यवाद किया इट इज़ बैटर टू देर आए दुरुस्त है बैटर टू लेट दैन नेवर उसके तहत ही जोड़ा है ये सारी चीज़ें चला रही हैं राजनोर
राजीव तुंदे प्रधान नूं आखा है कि 2-2 साले दी डोगरा हिस्ट्री कल्चर अग्गे बढ़ा रहे हैं। मैंने आखा 2-2 साल युवराज सभा भी काफी एक्टिव हुई थी। पंकज जी डोगरे घटेगा उन्हें, सिर्फ यह है कि थोड़ा जिहा सरकार है इन्हें दबा दे बड़े चिरा दिन अज इत्थे आनी है ये नहीं जगह। मैं तो आखना चाहना कि कॉलेज या स्कूल यूनिवर्सिटी सैमीनार जरूर होने चाहिए जिते अजकल के नौजवान ये आनी सुन कि ब्रिगेडियर जिंदर सिंह ने के उन्दे कन्ने साढ़े भलोहाल दे नरसिंह देव सिंह जंबाल होर जेडे उस लड़ाई में शामिल है, उस टाइम दे साढ़े मेजर जनरल गोवर्धन सिंह होर जेडे उस वक्त एक आखदे ने जीता जागता इतिहास जिंदे कोल हा, अज उन्हें कि सुनने का इत्थे मौका मिलिया। ये जरा अक्तूबर महीना है लगभग जो तुसें आखिया कि 15 अगस्त की हिंदुस्तान आजाद हुई सैलीब्रेशन हुई सैलीब्रेशन हुई है, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उल्ले भी अपने जम्मू कश्मीर के सारे आख्या कि चाननी अंगर लिखा लाइटा लाइडो सजाइडो कि हिंदुस्तान आजाद हुई है। तो बदकिस्मती साड़ी लै लो महाराज साहब की लै लो या साढ़े पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की लै लो जोड़ा किश उल्ला जिन्ना महत्व अं मिलना चाहिए वह मिलया नहीं है। अज इतने आनी सुनने जहाँ मिलया जिया नरसिंह देव होर सुनाया कि 100 बंदे की सैना कन्नै 6000 बंदा 60 बंदे अगे ले गए 40 ने पिछे छोड़े कि वह देखण गए कि लड़ाई होंगी या नहीं होंगी है। ये जेडे योद्धा ने बार बार धरती पर जन्म नहीं लेंदे, लेकिन इनकी व्याख्या जी है वह करनी चाहिए। उन्हें आख्या करे कौन गल उ आती है कि असें की पढ़ाया गया शेख अब्दुल्ला ने के किया सुनाया गया, अज जो साड़ा सुनने का वक्त आवा अस लोगों की जागरूक करना चाहते हैं ये जेडे सेवियर ऑफ जम्मू कश्मीर जिन्हें आख्या गया ये कौन लोग है। हूँ तुस ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह कोई आखना बनना वह बनी नहीं सकता, जनरल जोरावर सिंह योद्धा परतिए धरती पर जन्म लेना वह ले नहीं सकते, लेकिन ये अज धोड़ी भी असें भी 3-4 साल हुई है गलांदे लाई लो आखो या करलांदे अजें भी ये हिस्ट्री बिच या किताबें बिच बच्चे की नहीं पढ़ाया जाता है। शिवाजी झांसी की राणी ये किताबें बिच लोगों को पढ़ाया जाता है, तां लोग आखदे मराठा, अज साडा इतिहास साढ़े बच्चे की नहीं पढ़ाया जाता, बड़ी बड़ी कमी यह है। हाँ इन्नी गल की संतुष्टि अं जरूर हो रही है जेड़े तुंदे ने भरा आखदे ना पग्गां लाइए ते अणक लाइए फिरदे रहिंदे ने, अज उहे पग्गां कुदै ना कुदै कश्मीर विच भी चमका दियां ने। आख्या कोई होर ना शायद इशारा मेरे आले कहो चलो, लेकिन चमका दियां ने। लेकिन मैं हुण इन्नी गल जरूर आखना चाहना जिन्हें ये पग्गां तुंदे सिरा पर सजाए दियां ख्याल उनके रूप लोगों का भी जरूर रखना चाहिए। गल्लां दे बड़ियां ने पंगे जी, मैं तुंदे नाल गल करना तो सैमीनार की गल कर रहा तुंदे दोनों कन्ने आ कि सैमीनार होने चाहिए व्यूअर्स ने आखना ये आए दिन रोड पर आनी धरने दिन अज सैमीनार पढ़ाई लिखाई की गल कर रहे अनपढ़ थोड़े अस भी तो 4 क्लासा अस भी पढ़े दे, लेकिन सैमीनार सैमीनार की बिल्कुल गल करा दे अज इतना जरूरी है बड़ा जरूरी है। मैं अज इत्थे आनी है देखिया कि जिया ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह हुंदे पर जेले जीवनी चली उहदे कन्ने के मान सिंह हुंदे पर चली कर्नल नारायण सिंह हुंदे फिर हुंदे पोतरे लै लो उन्हें आनी है वह भी मेरे ख्याल आर्मी मेजर रिटायर हुए ये नहीं जेले लोगों अपने आप करंट पैदा होता, लेकिन यह सैमीनार कॉलेज यूनिवर्सिटियां इतने होने जरूर चाहिए। हर स्कूल में जितने से 12वीं स्कूल 12th स्टैंडर्ड उत्थे भी जरूर होना चाहिए कि बच्चे की प्रेरणा मिलती है कि अस जाइए आर्मी च जाइए तो अपने देश वास्ते किस करी सकने आ। आखणे इह गल जम्मू दे डोगरे दी पूरे हिंदुस्तान दे विच बड़े बड़े योद्धा होए, लेकिन जो काम डोगरे करिए ना हिंदुस्तान ने सरहद नहीं बधाई उन्हें, जम्मू हिंदुस्तान की सरहद जो जम्मू कश्मीर दी बधाइयां वह डोगरे बधाइयां, अगर उहदे बाद बचाइयां जिहड़ा अज जिवें पहले बड़ी बारी आखना कश्मीर कुसा दे प्यो दा नहीं है, कश्मीर जम्मू दे डोगरे हैं अपनी जाने की बाजी देइए बचाए दा ताही अस आखने आ कश्मीर ते जम्मू साड़ा असें की पूरी महाराजा की स्टेट चाहिए है जिहड़ी निक्की निक्की करी है। जे गिलगित बलोचिस्तान तुहाडी लड़ाइयां लड़ी लैंदी सी अद्धा दिन पहलां गया छोड़ी देदा, हुण जिहड़ा है असीं इकट्ठा करिए पूरा जम्मू कश्मीर एक सोने की चिड़िया वांग लिखा जांदा ना हिंदुस्तान का ताज है, उसकी ताज की रक्षा सारे लोग करनी जरूर चाहिए, ताज की रक्षा सारे करनी चाहिए। लेकिन इन सारे सैमीनार च एक चीज निकली है हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड होई दी है। कल मैं गल करा डॉक्टर करण सिंह हुंदे नाल वाले साहब नूं भी आखा डिस्टॉर्टेड है, अज भी आखा तुस भी आखा दो कि इहदे उपर तुसें लगदा बीइंग ए प्रधान तुस दस्सी सकदे हो कि नहीं ये चीज करनी जरूरत है ताकि हिस्ट्री जिहड़ी डिस्टॉर्टेड खराब होई दी उहदे कोला बाहर निकल सके। देखो पंकज जी
हिस्ट्री की दबाया गया हले धोड़ी और जी सड़िया बच्चे की कताबा ने खास करिए मैं आखा कि जिन्हें भी सैमीनार होने चाहिए वो डोगरी का उपयोग जरूर होना चाहिए और डोगरी बोलनी चाहिए है क्योंकि जिन्हें चिर अस आपू डोगरी नहीं बोलगे तो मी लगता है कि साढ़े बच्चे भी नहीं सीखना है और अस अगर अपने जम्मू कश्मीर की बचाना है तो साढ़े वास्तव डोगरी बड़ी जरूरी है और इे सैमीनार बड़े जरूरी ने और तुम आखे कि हिस्ट्री कताबें च है कि नहीं तो दबनी है सारे आखा है ना क्योंकि महाराज साहब उनकी उम्र कोई 95 प्लस है तो हूँ अज की जनरेशन भी आती है मतलब कोई ना कोई दिक्कत है बिल्कुल बिल्कुल देखो जो अब मेजर जनरल गोवर्धन सिंह होर ने प्रोग्राम कराया है 97 साल उनकी उम्र है उन्हें अपनी अखियों के सब कुछ देखे अपने कन्ने के सब कुछ सुने और अपने मतलब उन्हें अप किए युद्ध भी लड़े देने सब कुछ किए लेकिन वो जीडिया हिस्ट्रिया ने वो बिल्कुल दबाई गई ने और अस को ब्लेम नहीं लाते कि लेकिन उ जिंह उन्हें आखिया कि खुलिए गल कोई नहीं करता वो खुलिए गल करने का टाइम आई है हूँ जिन चेर खुलिए गल नहीं होगी इन चेर अपनी हिस्ट्री अस जरा डोगरे का स्वाभिमान वो नहीं आप बचाई बिल्कुल खुलिए गल का मतलब है ब्रीफ च और डोगरी दे विच करने की जरूरत है मैं लगता कि क्योंकि मातृभाषा जब तुम गल करते हो तो चीज़ें ज़्यादा एक्सपोनेंशियली अगे बढ़ती हैं और उसी मुहिम के तहत सारी चीज़ें होती हैं इस सारी डेवलपमेंट तुम कि देखते हो और इं भी आखते ना कि हिस्ट्री जी बड़ा जरूरी है जानना क्योंकि तुम्हारी जड़ा मजबूत होंगे तुम क्या वैल्यू राय रखते जरूर कमेंट सैक्शन रखो देखते हो ग्रेटर जम्मू कैमरा मतलब सिंह ने पंकज जी जय।